हेलो बच्चों, बोर्डाबा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आप लोग का पॉलिटिकल साइंस का एग्जामिनेशन होने वाला है 3 अप्रैल को, उसके लिए VBI क्वेश्चंस लेके आया हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैं आपको सारा करवाऊँगा। चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ। उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि फिर 2-3 सेट और लाऊँगा ऑब्जेक्टिव के लिए, फिर सब्जेक्टिव के लिए भी लाऊंगा, फिर चैप्टर वाइज मैं कोशिश करूंगा कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूं, क्योंकि मैंने बहुत पहले करवाया है सभी सारे चीज़ों को। तो आप लोग, मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो पहली बार चैनल से जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए पॉलिटिकल साइंस का हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है। फिर इसी चैनल में बता रहा हूँ कि कभी भी, मतलब कि थोड़ी देर में सब्जेक्टिव भी करवाया जाएगा, फिर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो जो लोग पहली बार जुड़े हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका क्या है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। तो यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई, तो सारे ऑप्शंस रॉन्ग दिए हुए हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा 1993 में नीदरलैंड में हुई थी। तो यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई, 1993 में नीदरलैंड में हुई। याद रखिएगा सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, एग्जाम में आते हैं। आगे देखिए, वर्तमान में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान का आप लोग समझ रहे होंगे, सारे सदस्य का नाम याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आता है आसियान से, ठीक है। तो आसियान का यहाँ पर देखिए फिलीपींस, इंडोनेशिया और सिंगापुर तीनों सदस्य है। तो श्रीलंका यहाँ पे इसका सदस्य नहीं है आसियान का, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत चीन मित्रता वर्ष कब मनाया जाता है, मनाया गया। तो भारत चीन मित्रता दिवस कब मनाया गया, 2006 को, कब 2006 को मनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस राज्य में सक्रिय है। बोलता है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस राज्य में सक्रिय है, तो क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। कौन से राज्य में मतलब कि सक्रिय है, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है। नस्लीय उग्रवाद से यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन सा दक्षिण एशिया का देश पूछ रहा है कि पीड़ित है, तो क्या हो जाएगा, श्रीलंका। कौन सा देश, श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। साफ्टा समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुए, जो साफ्टा समझौता हुआ है वो किस वर्ष हस्ताक्षर हुए, 2004 में, कब 2004 में ये हस्ताक्षर हुए। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग देखते चलिए। विश्व में इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है, तो विश्व में जितना भी इंटरनेट अभी आप लोग यूज कर रहे हो, देख रहे हो, वो संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब कि USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA की देन है। अमेरिका भी आप लोग सीधा शॉर्ट में बोल सकते हो। 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया, तो 2003 में अमेरिका ने, याद रखिएगा, इराक पर हमला किया था। कहाँ पे, इराक में हमला किया था। आगे देखिए, राष्ट्रीय पंचायत किस देश का संसद है, तो राष्ट्रीय पंचायत जो है किस देश का संसद है, नेपाल। क्या हो जाएगा, नेपाल, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 को हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट वाला ही करवा रहा हूँ। आगे देखिएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, तो मानवाधिकार से संबंधित है, याद रखिएगा, मानवाधिकार से है एमनेस्टी। आगे देखिए, बर्लिन का दीवार का निर्माण किसका प्रतीक था, तो बर्लिन का जो दीवार बना था वो किसका निर्माण, जो निर्माण हुआ था वो किसका प्रतीक था, तो वो था शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष, शीत युद्ध जो हुआ था उसका चरमोत्कर्ष का। चलिए आगे देखिए, विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे, तो विश्व राजनीति में आप लोगों को पता होगा कि एक तरफ शायद अमेरिका था और एक तरफ से सोवियत संघ था, दो ध्रुव में बट गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई, तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना, यहाँ पे सारे ऑप्शन रॉन्ग है आपके, क्या हो जाएगा, 14 मार्च 1957, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टालिन संविधान कब लागू हुआ, तो स्टालिन संविधान 1936 ईस्वी में लागू हुआ, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, किस देश के प्रभुत्व से, सॉरी, एक ध्रुवीयता कायम हुई, किस देश की प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हो गई, किसके हिसाब से हुआ, अमेरिका के कारण, ठीक है। चलिए, हॉटलाइन समझौता कब हुआ, तो हॉटलाइन समझौता 1963 ईस्वी में हुआ, 1963 याद रखिएगा डेट। आगे देखिए, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे, तो सोवियत संघ। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑब्जेक्टिव में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर दीजिए, कोई भी जितना प्रैक्टिस हो सके करके चलिएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम 4-5 सेट में प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ इस चैनल पर। तो जो लोग मतलब पहली बार जुड़ रहे हो सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी हमारे चैनल में वीडियोज़ आते हैं देखते चलना और करते जाना, कहीं से भी मिले ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन कर लो। और सब्जेक्टिव की मैं बात करूँ तो सब्जेक्टिव भी मैं करवाने जा रहा हूँ, तो आप लोग, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जुड़ के रहोगे तो भी समझ में आएगा। चलिए, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे, तो सोवियत संघ। आगे देखिए, संयुक्त राज्य व्यापार व विकास सम्मेलन कब स्थापित हुए, तो 1964 में हुए, कब 1964 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध से आशय किससे है, बोलता है कि पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध से आशय किससे है, किससे, शीत युद्ध से, शीत युद्ध से।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? फ्रांस। फ्रांस। एक चीज़ और अपडेट आप लोगों को देना था, CUET का एग्ज़ाम जो लोग भी नहीं भरे हो आप लोग भर लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ये आप लोग के लिए बता रहा हूँ, 30 मार्च आप लोग का लास्ट डेट है, तो जो भी अभी वीडियो देख रहे हैं भर लेना प्लीज़, ये वीडियो देख के जरूर भर लेना। और आप लोगों को कैसे किसी को बोल दिया गया कैफे वाले ने कि 19 अप्रैल तक डेट बढ़ाए, नहीं, वो जो डेट बढ़ा है ना वो स्कॉलरशिप का है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ स्कॉलरशिप का, अभी तक इसका डेट नहीं बढ़ा है, तो भर लेना CUET का, नहीं तो फिर अगला साल एडमिशन भी नहीं होगा कहीं, ये साल एक साल बर्बाद हो जाएगा। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किसने किया? फ्रांस ने किया था, ठीक है शादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति रीगन ने किसको दुष्ट साम्राज्य कहा? तो राष्ट्रपति रीगन ने सोवियत संघ को दुष्ट साम्राज्य कहा। आगे देखिए, G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है? तो G77 का मतलब होता है विकासशील देश, जो जो विकासशील है, जो भी विकसित नहीं हुए वो सारे देश। आगे देखिए, संघाई सहयोग संगठन से संगठन में कितने देश शामिल है? बोलते हैं संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल है? तो हो जाएगा 8। कितने? 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है? तो दो ध्रुवीयता का अर्थ है अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व, दोनों एक ध्रुव में ये बन गए थे, एक ध्रुव ये बन गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया गया? तो शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया गया? हो जाएगा साम्यवादी देशों पर। क्या हो जाएगा? साम्यवादी देशों पर, ठीक है। और जो लोग भी टेलीग्राम से नहीं जुड़े टेलीग्राम से जुड़ जाइए। क्या नाम है टेलीग्राम चैनल का नाम? आपको फिर से बता दे रहा हूँ, बोर्ड आभा, BORD बोर्ड आभा, चैनल का जो नाम है ना वही नाम है बोर्ड आभा, जाके सर्च कीजिए ब्रैकेट में जैक बोर्ड, JSEBORD, जुड़ जाना इससे जाके सभी कोई। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया? जॉर्ज बुश ने। किसने? जॉर्ज बुश ने। आगे देखिए, बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, आप लोग सभी को मालूम है। कि निम्न में से कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं है? तो भारत नाटो का सदस्य नहीं है, याद रखिएगा। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और बहुत सारे देश क्या हैं? नाटो के सदस्य हैं, लेकिन भारत नहीं है, याद रखिएगा। अभी रूस और जो यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, तो यूक्रेन क्या है? यूक्रेन जाना चाहता है किसके साइड? ये नाटो में मिलना चाहता था, जिसके कारण दोनों के बीच युद्ध हुआ था, आप लोगों को पता होना चाहिए सारा चीज़। तो नाटो में भारत भी नहीं है, भारत भी नाटो का सदस्य नहीं है। चलिए, 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ? तो 1975 में जो यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन हुआ, हेलसिंकी में, ठीक है। आगे देखिए, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? मिखेले। आगे देखिए, शॉक थेरेपी कब अपनाया गया? तो शॉक थेरेपी कब अपनाया गया? 1990 में आप लोग का शॉक थेरेपी अपनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति, याद रखिएगा कि यूएसए का प्रथम राष्ट्रपति पूछा जा रहा है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है, तो उसी से याद रखिए, जॉर्ज वाशिंगटन याद रखिएगा, ये पहले राष्ट्रपति थे, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अभी राष्ट्रपति कौन है अमेरिका के? आप लोग सभी को पता होगा, जो बाइडन। इससे पहले कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप, याद रखिएगा। विश्व में इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? तो आप लोग को ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका से, सही है। चलिए अगला देखिए, किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा? तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने, राष्ट्रपति जो भी हैं पुतिन, वो क्या रखे? सामरिक भागीदारी का सुझाव रखे। आगे चलिए देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद का समझौता कराने में किस सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो कोसिजिन ने क्या किया था? ताशकंद का समझौता कराने में, मतलब किस क्या किया था? महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। सार्क देश का सदस्य नहीं है, तो सार्क देश का सदस्य कौन नहीं? इंडोनेशिया। सार्क में कौन कौन से देश है याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में आप लोग को इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी पूछ लिया कौन नहीं है, फिर पूछेगा कौन है, तो ये एग्जाम के लिए आप लोग को याद रखना चाहिए कि एशियान में कौन से कंट्री आते हैं, ठीक है। सार्क में कौन कौन से सदस्य हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, यूरो क्या है? यूरो पूछ रहा है क्या है, तो यूरो याद रखिएगा, यूरो क्या है? यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा है, ठीक है। यूरोपीय संघ के जो सदस्य हैं उनकी मुद्रा है यूरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत बांग्लादेश फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब किया हुआ दोनों में, ठीक है। तो भारत और बांग्लादेश, याद रखिएगा कि बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत और बंगाल के बीच फरक्का समझौता कब हुए, तो 1996 में फरक्का समझौता का हस्ताक्षर हुए थे, 1996 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया का कौन सा देश G8 समझ, हाँ यही मैं फिर से बोलना चाह रहा था कि G8 में कौन से देश है ना, ये आप लोगों को कमेंट करना है नीचे वीडियो के नीचे। जो जो लोग भी देख रहे हैं कमेंट कर देना, जल्दी जल्दी कमेंट करना, ताकि हम लोग को भी पता चले कि G8 में कौन कौन सा कंट्री है। इससे पहले आसियान मैंने आपको बताया, सार्क कंट्री बताया, अब G8 भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है, तो ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, यहाँ देखिए एशिया का कौन सा देश है जो G8 समूह का सदस्य है, तो यहाँ पे देखिए सदस्य है पूछ रहा है, तो जापान। ठीक है, जो G8 समूह का सदस्य है जापान, और एशिया का पूछ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग एग्जाम में देखने मिलेंगे। मैं फिर से बता दे रहा हूँ आप लोग को कि अभी 40 क्वेश्चंस मैंने MCQ करवा दिया आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 2-3 सेट और करवाऊंगा। अभी मैं आप लोग को बता दूँ 40 क्वेश्चंस वाला, उसके बाद फिर 2-3 सेट सब्जेक्टिव का करवाऊंगा, फिर चैप्टर वाइज भी करवा दूंगा। तो आप लोग सभी को जितना भी वीडियो देख रहे हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक है, वीडियो शेयर कर दोगे तो हमारा भी मतलब कि आप लोग से मतलब कि भरोसा बनेगा और हम और सारा वीडियोज़ डालने में हमको भी अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को, लिए परीक्षा के लिए ध्यान से तैयारी कीजिए, अच्छा से एग्जाम जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए और तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।